IED blast has taken place in Chota Dongar police station area of Narayanpur district in Chhattisgarh. One villager has been killed and another is missing in an IED blast that was carried out by terrorists. A search operation is currently underway in the area. Jagjit Singh joins us for more on this story. Jagjit, what has transpired in Chhattisgarh? जी बिल्कुल, देखिए लगातार मैं आपको बता दूं कि ये बेमतलब क्षेत्र है, जो नारायणपुर का क्षेत्र है, चाहे मतदान के दौरान की बात हो, निर्वाचन कार्य को भी बाधित करने का प्रयास किया गया था। और आज जब ये आमदाई माइंस में ये पूरी घटना घटी है, आईडी ब्लास्ट हुआ है, जहां पर जो खदान के जो काम करने वाले जो मजदूर थे उनकी मौत हो चुकी है और जो एक और जो घायल था उसकी स्थानीय अस्पताल के उपचार जारी है। तो लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं नक्सल क्षेत्रों में, जो लगातार दहशत फैलाने के जो कार्य किए जा रहे हैं, इसलिए समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से नक्सल समाप्त नहीं हो सका है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने फिर से एक बार आईडी ब्लास्ट किया है और देखिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत बनाने का एक जो माहौल है वो क्रिएट किया गया है। तो इन ब्लास्ट में जो दो ग्रामीण थे, जो माइक के कर्मचारी थे, उनकी मौत हो चुकी है और एक घायल बताया जा रहा है और जो जिनकी जो उपचार स्थानीय अस्पताल में फिलहाल जारी है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.